अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम असेंडिंग ट्रैक्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिसेंडिंग ट्रैक्स करने हैं और ये बहुत इजी हैं एज़ कम्पेयर टू असेंडिंग ट्रैक्स। सो बेसिक कौन सा बच्चों आपने याद रखना है, हमने देखा था कि रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो सेंसरी इंपल्सेस देता है थ्रू सेंसरी न्यूरोन्स। और ये सेंसरी न्यूरोन्स किसका पार्ट होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरोन्स फिर जाके कम्युनिकेट करती हैं फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी, सेकंड न्यूरोनल बॉडी एंड थर्ड न्यूरोनल बॉडी, और इंपल्सेस चली जाती हैं कहाँ पे, हायर रीजन ऑफ ब्रेन की तरफ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये जिस ट्रैक से इंपल्स जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रैक्स के से जो भी इंपल्स, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी स्टिमुलस पे डिपेंड करते हुए एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करने का सोचा जाता है। अब उस मोटर रिस्पॉन्स को जो कन्वे किया जाता है या उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम हायर रीजन ऑफ ब्रेन टुवर्ड द लोअर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये किया जाता है थ्रू डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। फिर वो डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स जाके क्या करती हैं, मसल को इनोवेट करती हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। याद, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो सिर्फ मौजूद होते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बाकी जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आ रही है इनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन वापस जा रही है इन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन किसका पार्ट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स किसका पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब एक और बात उसने बताई हुई है बुक में जो थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को, कि ये जो डिसेंडिंग पाथवे है ना सारे का सारा, इसको हमने दो न्यूरॉन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होती हैं अपर न्यूरॉन्स और एक होती हैं हमारे पास लोअर न्यूरॉन्स। अपर न्यूरॉन्स की कलेक्शन को, अपर न्यूरॉन जो स्टार्ट होती है कहाँ से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, और कहाँ आती है स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर ग्रे मैटर तक, इस अपर न्यूरॉन की कलेक्शन को बच्चों कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। ये लोअर न्यूरॉन जो है डिसेंडिंग ट्रैक का पार्ट नहीं है, बल्कि लोअर न्यूरॉन जाके क्योंकि इफेक्टर को डायरेक्टली क्या कर रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, तो ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन पार्ट हैं, मोटर न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक्स आर ओनली अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन, ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये डिसेंडिंग ट्रैक्स में नहीं आती, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मोटर रिस्पॉन्स को लेकर जा रही हैं कहां तक, मसल्स के पास, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बड़ा क्लियर करना है कि जो हमारे पास सुपरा स्पाइनल न्यूरॉन्स हैं या जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, असल में सिर्फ इनकी कलेक्शन को हम डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो डिसेंडिंग ट्रैक का पार्ट नहीं है, हाँ डिसेंडिंग पाथवे का पार्ट जरूर है, ठीक है। डिसेंडिंग पाथवे तो सारा ये है ना जो रिसेप्टर तक जा रहा है। सो डिसेंडिंग ट्रैक्स हम क्या कहते हैं, मोटर पाथवेज भी कहते हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू असेंडिंग ट्रैक्स। इसमें एक होती है अपर मोटर न्यूरॉन और एक होती है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन बच्चों वो है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लेके आएगी, स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न तक, क्योंकि इंटीरियर हॉर्न किससे डील करता है, मोटर इन्फॉर्मेशन से, जबकि पोस्टीरियर किसके साथ डील कर रहा था, सेंसरी के साथ। अब ये इंटीरियर हॉर्न जो है, कभी कभी यहाँ पे कहता है एक सेकंड न्यूरोनल बॉडी प्रेजेंट हो सकती है इसी अपर न्यूरोनल बॉडी, अपर न्यूरोन को हम फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी कहते हैं, ये एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बेसिकली हम इसको कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, और एनाटॉमिकली हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट न्यूरोनल बॉडी जो कभी कभी इंटीरियर ग्रे हॉर्न में सेकंड न्यूरोनल बॉडी के थ्रू सिनैप्स करके किसके साथ जुड़ती है, थर्ड न्यूरोनल बॉडी के साथ या लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ। इस सेकंड वाली का जो इंटीरियर ग्रे मैटर में ही स्टार्ट होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, इसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी फर्स्ट एंड ये वाली जो है थर्ड डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है और कभी सेकंड के थ्रू करती है, ठीक है। सो ये सेकंड न्यूरोनल बॉडी है जो कहां पर है, इंटीरियर ग्रे हॉर्न में स्टार्ट हो रही है और वहीं पर खत्म हो रही है। फिर हमारे पास थर्ड न्यूरोनल बॉडी है जो इंटीरियर ग्रे हॉर्न से स्टार्ट हो रही है और जाके किसको इनोवेट कर रही है, मसल्स को। अगेन ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन है, ये डिसेंडिंग ट्रैक का पार्ट नहीं है। डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो यहां तक होगा या यहां तक, ठीक है। ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग पाथवे, और ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है, डिसेंडिंग ट्रैक के फंक्शंस क्या हैं, ये मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, मसल टोन को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जितने जनरेट होते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी का, और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो जनरेट होने हैं या फंक्शंस हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के, उनको भी डिसेंडिंग ट्रैक्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके लिए मोटर इन्फॉर्मेशन यही लेके आते हैं हायर रीजन ऑफ ब्रेन से। अच्छा, अब मोटर पाथवे को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमने सेंसरी पाथवे को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, इंटरोलेटरल और डॉर्सल। इसमें हमारे पास होता है एक डायरेक्ट पाथवे होता है और एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। जो डायरेक्ट होता है ना बच्चों, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी मोशन पाथवे, क्योंकि वॉलंटरी मसल्स की स्पीड को या उनकी स्किल को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है पायरामिडल ट्रैक, ठीक है। इसके आगे दो डिवीजंस हैं, कॉर्टिको स्पाइनर एंड कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, जिसको भी हम ड्रॉ करके देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सेकंड हमारे पास आते हैं इनडायरेक्ट पाथवे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मल्टी सिनेप्टिक होते हैं, इनमें चार पांच हैं, जैसे हमने वहां पर भी अदर असेंडिंग ट्रैक्स देखे थे, यहां पर भी हैं, रूब्रो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ओलिवो स्पाइनल एंड रेटिक्यूलो स्पाइनल, सबकी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट और कौन सी इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहे होते हैं, ये पॉइंट जानना जरूरी है। जबकि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का पूरा पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो न्यूरोनल बॉडीज़ हैं जो डिसेंडिंग पाथवे का पार्ट है, ठीक है, जबकि ये जो फर्स्ट न्यूरोनल या अपर न्यूरोनल बॉडी है ये डिसेंडिंग ट्रैक है। तीन न्यूरोनल बॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं या दो भी हो सकती हैं। सेकंड वाली होगी तो वो विद इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न ही प्रेजेंट होगी। दो इसके डिवीजन हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी मोशन कंट्रोल करते हैं, स्किल मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं। स्किल मूवमेंट्स का मतलब होता है फाइन मूवमेंट हमारे हाथ की, टाइपिंग या गिटार बजाना या राइटिंग करना, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथवे में हमारे पास क्या आते हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल या ये चार पाँच ट्रैक्स आते हैं जो मैं आपको अभी बारी बारी बताऊंगी।